आप इनका देखो कितना वेट है, जब आपने वेट भी निकाला वो वेट भी आप किसी और को नहीं देंगे, अगर आप छुपते हो ना तो आपका वेट ज़्यादा आता है। मैम 46 आ रहा है। आपने ये जो शोल्डर के बॉर्डर है यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, बिल्कुल इसको 90 डिग्री के आपने इसका सेंटर लेना, सेंटर पीस को फोल्ड। और उसमें क्या करना है, आपके जितने आपके जो बच्चा जो भी है जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं वो सब उतरवा दें, सिंपल आपने स्किन के ऊपर ठीक है। उसके बाद आपने हेड सर्कमफेरेंस कैसे लेते हैं पता है, किसी ने नहीं लिया, पता नहीं लिया, पढ़ा है किसी ने नहीं लिया, हेड जो आपने लेना होता है ये मार्क आप सेंटीमीटर में लेते हैं ठीक है। हेड भी आप सेंटीमीटर में लेंगे, नॉर्मल रेंज होती है वो 20-25। इसकी जो नॉर्मल रेंज है, हाँ ये मैंने बताया, ये जो ग्रीन अगर पार्ट में आ रहा है ना तो इसका मतलब है वो नॉर्मल, अगर यहाँ पे आ रहा है येलो में तो वो अंडर रेड है, अगर रेड में आ रहा है सीवियर तो मैम हमें मतलब मेल नरिश है या ओवर है या हमें परसेंटाइल वाले चार्ट से देख के भी पता चल जाता है, तो ये मार्क वगैरह ये सेपरेटली हम क्यों करते हैं? तो आप चार्ट में कैसे देखोगे, जब आपके पास उसके बच्चे की मेजरमेंट होगी तो आप चार्ट से मैच करोगे। मैम हाइट और वेट से जो हाइट हो गया वेट हो गया, आप हाइट वेट से मार्क निकाल लोगे? नहीं मतलब मार्क हम इसलिए करते हैं ना हमें पता चल जाए कि वो ओवर वेट है या अंडर वेट है। मेल नरिश तो नहीं है क्योंकि मोस्टली जो मेल नरिश मैल नरिश बच्चा देखे कभी आप लोगों ने पिक्चर्स में देखा कभी वीडियो देखी आज देखा ओके ठीक है। जो मॉक लेने की वीडियोस अगर आप देखोगे ना उसमें आप जितने सीवियरली जो मेल नरिश बच्चे हैं उनके इतने इतने बाजू होते हैं जी बॉडी में उनका वेट होता ही नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये जितने भी डिफरेंट टूल्स हैं सिर्फ आप देखें कि अगर हम बात करें सिर्फ चार्ट से उससे भी पता चल जाता है, फिर अगर हम बात करें मॉक टेप से उससे भी पता चल जाता है, फिर हम बात करें वेस्ट सर्कमफेरेंस से उससे भी पता चल जाता है, प्रोटोकॉल इस तरह आप देखें कि BMI उससे भी है। अब ये इतने सारे मेथड यूज क्यों किए जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप देखें अगर किसी के बाजू नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर BMI अगर किसी की हाइट आप नहीं ले सकते, अगर उसके इसी तरह अगर टांगे नहीं है तो आप हाइट कैसे मेयर करेंगे, तो इसी तरह बेड रिडन है तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इसी वजह से मल्टीपल जो है ना प्रोटोकॉल्स अपनाए जाते हैं ताकि किसी तरह हर तरह से कोई मेयरमेंट का कोई वो रह ना जाए, प्रोटोकॉल्स वो पूरे तो उनका सिंपल एक तो जो डॉक्टर्स करते हैं वो बेड पे स्ट्रेट उन्हें लिटा के साथ उनकी ये जो इंचेस टेप है इसको लगाते हैं स्ट्रेट सीधा और वो हाइट हो जाती है। दूसरा उसका मेथड ये होता है कि आपकी जो नी है ना उसका जो सेंटर है सेंटर से आपको जो एंकल का एंड है उसकी आप हाइट लेते हैं वो कितनी हाइट है, फिर उसका एक फॉर्मूला होता है नी के लिए अलग और डिफरेंट एजेस के लिए, फिर उसको आप उस नी हाइट को उस फॉर्मूला में पुट करते हो तो आपके पास उसकी एक्चुअल हाइट आती है के जो प्रोटोकॉल्स हैं जो मेथड हैं वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। अच्छा हेड सर्कमफेरेंस जो आपने लेना वो आप किस तरह से लेते हैं? आपकी आईब्रो के थोड़ा सा ऊपर ये जो आईब्रो की जगह यहाँ से आपने लेना होता है सिंपल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको टर्न करेंगे राउंड करके ये 1 सेंटीमीटर से जितनी आपकी हेड आएगा वो आपके हेड सर्कमफेरेंस होगा। आईब्रो के यहाँ ऊपर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ यहाँ से आप यहाँ से कर रहे हो, ये है कि आपने जब स्टार्ट किया वहाँ पे एंड करना चाहिए, ये देना ये इसको देखो टाइट बिल्कुल नहीं करना, आपने कोई भी मेजरमेंट ले रहे हो तो आपने टाइट नहीं करना ठीक है। ये देखो इसको थोड़ा ज़्यादा इसलिए रखते हैं कि हमें टाइम करना ताकि आपके पास एक्चुअल है 56 उसको यहाँ पे लगा के बिल्कुल आती वेस्ट तो आती होगी सबको थोड़ा ऊपर जो आती है लास्ट जो आती है उसमें आती है ना तो जहाँ पे एंड होती है ना वहाँ से आप वेस्ट लेते हो जहाँ पे कर्व आया वो बिल्कुल इस तरह से एंड होती है ठीक है। वेट पता चल गया, हाइट पता चल गया, हेड पता चल गया, मॉक समझ आ गया? यस मैम सिंपल ये चीज़ है। अब आपने करना है अपना
उसको इस पे निकाल देते हैं जो लेटने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बैठने वाले होते हैं, फिर दो साल तक के बच्चों को इस पे रखते हैं। यहाँ से आप काम करोगे, कोई बात नहीं, कोई बच्चे है यहाँ पे आपने रखा, ये इसका वेट आ जाएगा और ये औस में आएगा, ठीक है। अब इसको शायद वो कन्वर्ट करें, इसको पाउंड से रख लीजिए, तो ये औस नहीं है, 23 औस, ये सिंपल बेबीज का लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ठीक है। हाइट इस तरह से लेते हैं, इसको हाइट को लेते हैं ऐसे, इसको उससे बड़ा बच्चा जो है वो खड़ा होता है, ठीक है, तो ये उस तक के बच्चे के लिए ये चीज होती है, इसको हाइट 2 इयर्स का लेते होता है बच्चों, लेकिन उसको हम बिठा लेते हैं 1.5 साल, कुछ बच्चे होते हैं लेट चलते हैं, 1.5-2 साल तक के बच्चे को उस पर कर सकते हो आप, साल से कम करो, 2 साल से ऊपर के जितने बच्चे वो बैठेंगे, 1.5 साल में मैक्सिमम होगा, 2 साल की ज्यादा बड़े। हाँ, इसकी मैंने वीडियो देखी थी, मैं वीडियोस तो देखी हुई है, लेकिन मतलब इसमें ना बेबी को उसका हेड वहाँ पे टच करना चाहिए और ना इसको इस साइड पे रखते हो, बेबी के नी पे थोड़ा सा उसको डाउन करके ताकि वो स्ट्रेट हो जाए लेग्स, और उसके फीट को ऐसे यहाँ हाथ रखते हैं स्ट्रेट कर देते हैं, और फिर उस हिसाब से फिर इसे लेकर आते हैं कि उसके फीट स्ट्रेट हो बिल्कुल ना, और फिर यहाँ पे रीडिंग बिल्कुल उसका हेड यहाँ पे स्ट्रेट, बिल्कुल उसको सीधा रखना है, इससे आएंगे बच्चे इधर उधर देख रहे आप ऐसे ही दो लोग यहाँ पे होता है, उसकी मदर होगी उसका हेड होल्ड करेंगे, हाँ होल्ड करेंगे, और जो उसकी लेग्स हैं वो फोल्ड हुई होती है बच्चे, उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है, नी को प्रेस करके, और बिल्कुल उसके जो पाँव है वो यहाँ पे सीधे इस तरह से, ठीक है, ये होता है बच्चों को हाई करने के लिए और ये बच्चों का वेट करने, उसका हमने नाम लिख लें यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहली चीज कॉन्टेक्ट लेना उसे, ताकि आप उससे बाद में कॉन्टेक्ट, आपके पास उसका एक रिकॉर्ड रेफरेंस नंबर आपके पास जो आपकी सीरीज में चल रहा होगा वो यहाँ पे लिखें, उसके बाद उसकी एज पूछनी है आपने, जो भी उसकी एज है वो लिखनी, उसका बॉडी वेट मोस्टली नहीं पता होगा उसे, ठीक है, वो आपके पास है यहाँ पे, आपने उसकी वेट करनी है, उसकी हाइट करनी, फिर उसके बाद आपने मैम अगर उसे पता हो तो स्टिल हमें कंफर्म करना चाहिए, कंफर्म हो तो आप लिख सकते हो ना, आप ये है कि आप करोगे तो यही, अगर उसे पता भी है आपको कंफर्म हो जाएगा वो सही बता रही है नहीं, लोग कहते हैं मैंने 1 महीना पहले किया, 1 महीना पहले पता नहीं उन्होंने सही किया या नहीं किया, ठीक है, तो आप उन्हें खुद कर लो, ठीक है, हाइट वेट लेके आपने उनका BMI निकालना, फॉर्मूलाज पता है सबको जी, अभी पढ़ के दिया, BMI लेना, आइडियल वेट कैलकुलेट करेंगे ना, हाँ BMI भी आप खुद कैलकुलेट करोगे, आइडियल वेट भी आप खुद कैलकुलेट करोगे, उनकी कैलोरीज निकालोगे कि कितनी कैलोरीज, ठीक है, ये सारा कुछ आपने करना है, उसके बाद आपने ये भी आप करेंगे उनकी बोन डेंसिटी फैट ये जितना भी परसेंटेज है, लेकिन ये आप बाद में भी कर सकते हो क्योंकि इसको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको फार्मूलाज पुट करते हो ये बात की। दूसरा ये है कि शायद उस स्टूडेंट्स ने मंगवाई हो जो चाइना से हम मशीनरी मंगवा रहे हैं किट्स, उसमें 17 मेयरमेंट्स हैं, वो फैट प्रोटीन सारा कुछ बताते हैं, हाँ वो भी यहाँ भी आ जाएगी, वो उसको भी इनके पोर्ट कर सकते हैं, ये वैसे होती फार्मूलाज भी हैं इनके, लेकिन ये कैलकुलेट भी की जा सकती है, मैम ये BMR इसका फार्मूला होता है, फार्मूला अभी आप बाद में लेंगे ना, ओके मैम, बाद में, एनर्जी रिक्वायरमेंट और वो उन्हें नहीं पता होता कि किसी को है या नहीं, फिर आपने उन्हें बताना फूड एलर्जी क्या होती है, पता है ये नहीं, आपने लेक्चर नहीं देने बैठ जाना, उन्हें आपने पूछना है जैसे अगर पीनट एलर्जी, आपको पीनट खा के कुछ होता है, मोस्टली एग योक से भी होता है, चने की दाल से भी होता है, बड़े गोश्त से भी होता है, ये जो हमारे यहाँ के लोगों को होती है, आपने पूछना आपको ये खा के कोई होता तो नहीं, अगर होता तो क्या होता,
इस तरह आपने खुद उसको डायग्नोस करना कि उन्हें एलर्जी है या तो मैम ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसे खा के आपकी तबीयत थोड़ी अपसेट हो जाती है या ऐसा पूछ सकते हैं प्रॉब्लम लेकिन ऐसे अगर नहीं उन्हें समझ आया तो फिर आपने इस तरह से पूछना जैसे उसको कैबेज खा के तुरंत एलर्जी हो जाती है हां वैसे अगर उन्हें पता तो वो खुद बता देंगे मुझे इस चीज से ये एलर्जी होती है अगर नहीं पता तो फिर आपने इस तरह अगर कैबेज खा के ब्लॉटिंग हो रही तो वो एलर्जी में आएगा नहीं वो वैसे इशू है वो तो वैसे इशू है ना फूड एलर्जी में तो नहीं आएगा फूड एलर्जी में वो नहीं आएगा वो अदर्स में आप लिख सकते हो अदर इशू में ये इशू उन्हें होता है फिर आपने जब डाइट प्लान करना वो देखना फिर आप कैबेज ना दो ठीक है ना अगर देनी है तो आपने किस फॉर्म में देनी है आपने खुद आइडेंटिफाई करना फिर आपने उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी उसमें ब्लड प्रेशर आ जाएगा उनका कोई भी उनको प्रीवियस जो भी उनको हुआ है ना कोई डायबिटिक है कोई हार्ट पेशेंट है कोई हाइपरटेंसिव है हाइपोटेंसिव है कोई कुछ भी है उसके मैम बायोकेमिकल टेस्ट देखने होंगे या कुछ ब्लड प्रेशर भी टेस्ट अगर उनके पास है टेस्ट देख लो ठीक है उनका एच भी देख लो अगर उनके पास टेस्ट है उसमें ये है कि जो उसने डिजीज बताई है ना आप लोग वही टेस्ट दोबारा अगर रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसने कहा है कि हाइपरटेंशन है अब उसके पास रेंज उसको नहीं पता अब उसने कहा डायबिटीज़ है डायबिटीज़ में और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स सिर्फ शुगर नहीं ग्लूकोज नहीं अगर दूसरे भी फैक्टर्स हैं तो अगर उसके पास रिपोर्ट है तो ठीक है वरना आप लोग फिर खुद उसको टेस्ट के लिए कहेंगे ये टेस्ट करा के हैं सारे अगर आप लोग ऐसे टेस्ट कराएंगे तो कितने टेस्ट कराएंगे जो वो डिज़ीज़ है वो डॉक्टर का काम है कि डायग्नोज करना डिजीज़ उसको जो डिज़ीज़ वो बताएगा कि मुझे थी या है तो उसके आप लोग टेस्ट रिपोर्ट है उसके पास तो वो देख लें कि किस लेवल तक है अगर नहीं है तो वो आप लोग टेस्ट करा लें ये इस तरह से आपने मेडिकल हिस्ट्री लेनी है और मेडिकल हिस्ट्री में आपने ये भी पूछना है कि किसी किस्म के उन्हें कैंसर तो नहीं था कैंसर की कोई थेरेपी तो नहीं है इस तरह का भी थेरेपी किस टाइप की सिर्फ कैंसर रिलेटेड या अच्छा कीमोथेरेपी या उनके किसी बॉडी पार्ट को रिमूव तो नहीं किया गया ये चीज़ें आपने पूछनी होती है कैंसर के पेशेंट अगर आपके पास आ जाते हैं अगर नहीं भी आते तो मतलब कोई नॉर्मल पेशेंट है उसका इस तरह का कोई इशू है तो प्रीवियस हिस्ट्री में आप लेते ठीक है ये सारी बातें आपने पूछनी मेडिकल हिस्ट्री ठीक है उसके बाद उनके अपने न्यूट्रिशनल हिस्ट्री यानी कि उनके 24 ऑर्गन है ठीक है 24 इस जगह पे आ जाएगा 24 ऑर्गन को नहीं आएगा तो ऊपर नीचे लिखना कितना खाता है और न्यूट्रिशन हिस्ट्री में आप लोग ये पूछ लेंगे कि उसको पसंद क्या है क्या चीज पसंद नहीं है ये न्यूट्रिशन हिस्ट्री में उनके इंटरेस्ट और डिसलाइक्स अगर कोई चीज़ वो नहीं खाते बिल्कुल नहीं खाते वो जरूर आपको पता हो ठीक है इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ पूछ सकते हो चाय का चाय के एडिक्टेड होते हैं लोग ठीक है लोग 2-3 कप पी रहे होते हैं दिन के अंदर या 4-5 पी रहे होते हैं स्मोकिंग वगैरह का भी आप लोग इसमें तो मैम अगर हमने लाइक और डिसलाइक दोनों लिखने हैं तो हम जो उनकी लाइकिंग में आते हैं उनके आगे मतलब टिक लगाएंगे कोई ऐसे स्पेसिफिक करेंगे आप भी इसे उर्दू में फिल करो उर्दू में अच्छा क्योंकि आपका जो सामने पेशेंट बैठा है ना आपके सामने आ जाएगा ना जो पेशेंट आ गया अब मैं उनसे इंग्लिश में पूछना शुरू करती हूं उन्हें पता होता बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा समझ आती हूं नहीं आती ना मैंने उनसे उर्दू में पूछा सारा कुछ आपके सामने उर्दू में पूछना है ठीक है ठीक है सारी आपने उनकी हिस्ट्री यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ उर्दू में पूछना आप उन्हें सीवीडी नहीं बोलोगे क्या आप बोलो आपको सीवीडी आप नहीं आप पूछोगे दिल का कोई मसला है आपको ठीक है इस तरह से पूछना अगर आप उनसे हाइपरटेंशन कहते हो उन्हें हाइपर का इश नहीं पता वो हाइपरटेंशन क्या बताएंगे आप पूछोगे ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहता है ज़्यादा रहता है तो कितना ज़्यादा रहता है आप उन कान में हो ना याद रखना ठीक है 24 आ लेना आपने कल से उन्होंने सुबह से लेके रात तक क्या खाया अगर तो पेशेंट आपके पास आ रहा है सुबह के टाइम 10 बजे आप कल का ले लोगे अगर इस टाइम आ रहा है कल के भी लोगे आज के भी लोगे कि अब तक क्या खाया कल से ठीक है इस तरह से उसके बाद जो जिस चीज़ के लिए आप डाइट प्लान बना रहे हैं ना कि व्हाट यू वांट किस चीज़ के लिए बना रहे हैं वो यहाँ पे आपने उसमें यह है कि वो मल्टीपल फैक्टर है ना उसमें एक पेशेंट आता है वो डायबिटिक भी है हाइपरटेंशन भी है उसे ओबेसिटी भी है तो वो तीनों को सेम टाइम में नहीं किया जा सकता वो हमने उससे पूछेंगे कि किसको प्रेफर किसके लिए वो आया है आया कि वो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए आया है या ओबेसिटी लेकिन ये सारी इंटरलिंक्ड है एक चीज़ आप कंट्रोल करेंगे दूसरी कंट्रोल हो रही होगी लेकिन फोकस फिर उसी चीज़ पे रखना है जो चीज़ वो चाह रहा हो ये इसी वजह से ये लोग इग्नोर नहीं करना अगर आप डायबिटीज़ देख रहे हो बंदा हाइपरटेंसिव है तो आपको सिर्फ डायबिटीज़ का मैं डाइट प्लान बना दूँ
और उसे हाइपरटेंशन को इग्नोर कर। मैम मैं वही पूछने लगी थी कि जरूरी तो नहीं कि पेशेंट को पता हो कि उसके लिए पहला टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे उसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और वेट का प्रॉब्लम है, ओबीज है, तो उसे कैसे पता होगा कि उसको पहले क्या चीज मैनेज करवानी चाहिए? वो तो हम सजेस्ट करेंगे ना, तो फिर हम डाइट प्लान ऐसे बताएंगे जिसमें उसकी तीनों चीजें कवर हो जाएं कि उसको डायबिटीज का पता चला, उसे अस्थमा है, वो ओबीज भी है, तो क्या करूं? जो कि वेट लॉस में उसकी हेल्प करे और उस डाइट प्लान में जो हम उसकी डाइट ऐड करेंगे वो अस्थमा से रिलेटेड होनी चाहिए। वो हॉस्पिटलाइज्ड है, यानी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे अस्थमा, उसे है वो ओबीज, उसे अस्थमा का भी इशू है, अस्थमा के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। फिर इंटरनल होता है ना, वो उससे क्या फर्क पड़ता, तब भी उसकी वेट मैनेजमेंट कराएंगे और उसके साथ साथ हॉस्पिटल में ना वेट मैनेजमेंट कराओगे। नहीं सब तो जब वो हॉस्पिटल अस्थमा वाला उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, आपका फोकस हर डिजीज पे होगा, जितने इश्यूज हैं उसे डायबिटीज है, उसे अस्थमा है, उसे हाइपरटेंशन है, उसे दुनिया जहान के इश्यूज हैं, आपने सबको देखना है, ठीक है? फिर ये देखना कि वो एडमिट किस चीज के लिए, आपने ये देखना मैं उसे अस्थमा के लिए ये चीज दे रही हूं, कहीं उसकी डायबिटीज को तो नहीं अफेक्ट करेगा, उसका कहीं शुगर लेवल तो नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है? ये चीजें आपने देखी। मैम अगर वो एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उसको ट्रीटमेंट चल रहा है किसी डिजीज से रिलेटेड और उसका वेट ज्यादा है या कम है, तो फिर हमें हमारा मेन फोकस उस डिजीज से रिलेटेड होना चाहिए, देन साथ साथ वेट को मैनेज करेंगे। और अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि इनका वेट ज्यादा है, इनको ये इशू और आपने इनका वेट मैनेज करना है, तो आप उनकी डिजीज को भी देखोगे, उनके वेट को भी देखोगे, दोनों चीजों को साथ। हमारे पास थी एक पेशेंट, उनका वेट बहुत ज्यादा था, उनको था अस्थमा। अब उन दोनों चीजों को देखना, डॉक्टर ने रेफर किया कि उनका वेट कम करवाना है, तो हमने वेट को भी देखना था, ये भी देखना था कोई ऐसी चीज ना दी जाए जो उनके अस्थमा को कुछ कर, क्योंकि डॉक्टर ने रेफर हमें वेट के लिए किया था उस टाइम, अस्थमा के लिए, ठीक है? जब डॉक्टर रेफर करता है ना, वो आपको चीज फिर हम पर है कि हम उनसे जो हिस्ट्री ले रहे हैं उसको फिर, हाँ ठीक है, आ गया समझ सब कुछ। दोनों के लिए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको फिल करना, और आपने स्पीड बढ़ानी है, ये नहीं कि आप बीएमआई निकालने बैठे तो आपने एक घंटा लगा दिया बीएमआई आप निकालने जा रहे हैं। और मैम मतलब अगर हमारे पास जैसे ऐप्स हैं उनमें भी ऐप से ही करो, जब आप पेशेंट के सामने बैठे हुए ना तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। नहीं क्विकली करना, आपने टाइम देना डाइट प्लान को, आप जब इस चीज पर टाइम दे दोगे ना तो आपके पास डाइट प्लान का टाइम नहीं बचेगा, वो पेशेंट जो भी होगा वो कहेंगे ना खुद कुछ नहीं कर रहे, तब चेक कर लेते तो ये कर रहे हैं, ठीक है? कोशिश करना क्विकली करना, आप जल्दी जल्दी से करो। तो अगर कोई पेशेंट आता है उसी वक्त सारी मेजरमेंट लेके डाइट प्लान उसी वक्त बना के देना, उसी वक्त आपको कम से कम आधा घंटा लग जाता है, आधा एक घंटा एक पेशेंट के साथ। बकायदा सारे प्रोटोकॉल कैसे पेशेंट को आपने बिठाना है, कैसे वो करना है, सारा चीज आप लोगों की ऐड होनी चाहिए। आप लोग साइड पे पीछे हो जाए, हाँ इसे यूज करके आप जो खाना बताएंगे इसे यूज करके भी बता सकते हैं। वेट एक चीज है कि उसकी वो एक फैक्टर है, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। पहली चीज आपको फोकस है उसका स्टमक, आप सिर्फ वेट को कम करने में लग जाओ स्टमक को कम हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग में आवाज आनी चाहिए, क्या कुछ है मिलके एनर्जी हो ऐसे जो यहाँ पे थोड़ा साथ उनको पूछती भी जाए, साथ के साथ उनको मोटिवेट भी करती जाए, थोड़ा काउंसलिंग साथ के साथ करती जाए। फिर अभी निकालें जो हाँ, अभी निकालें हाँ, आप उन्हें बताओ कि आपका कितना वेट होना चाहिए और इस टाइम
में आपका कितना वेट है ये बताओगे तो आपको उन्हें पता चलेगा ना कि उनके लिए कितनी जरूरी है उनकी डाइट। उसके लिए मैंने बीएमआई निकाला। आप हेल्प कोई हेल्प कर सकता है उनकी कैलकुलेटर निकाल के लिए? मैं कैलकुलेटर निकाल सकता हूं। असिस्टेंट भी होते हैं ना साथ में? नहीं भी होते हैं। मैंने असिस्ट किया था मैम को। और नहीं भी होते हैं यू आर ऑल इन ऑल इसकी बैग पे निकाल लो। हाँ क्या आप ना अपने पास एप्स करें, आपके पास है बीएमआई कैलकुलेटर? अभी नहीं है। फिर उससे करो, उसे एक्यूरेट ही आता है। बीएमआई जो येलो वाला है वो 5.2 हुआ है, लेकिन वो ऊपर जो वेट का और साइड पे जेंडर और एज भी कुछ नहीं है। कौन उसमें यह है कि आप लोगों को जितने भी हैं प्रैक्टिस यहाँ पेशेंट के सामने ठीक है, आप लोग ऐप करें जैसे मैंने बताया कि कुछ करना है, लेकिन कभी भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी को बता रहे हो कोई कैलकुलेटर यूज़ ना करें। उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर आपने कभी देखा है किसी डॉक्टर को वो मोबाइल या किसी चीज़ का सहारा दे? ठीक है चलो कोई एक टाइम बचाने के लिए पेशेंट के सामने आप लोग कर लें, लेकिन आपको इन चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए। वैसे आप लोगों को क्विक आना चाहिए, आप देखें क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए मुसलसल। आप लोग अगर हर जगह कैलकुलेटर यूज़ करेंगे या ऐप यूज़ करेंगे तो आप लोगों को कोई एक फार्मूला भी याद नहीं होगा। तो अगर आप किसी टेस्ट में जाते हैं या किसी ऐसे अचानक आप लोग यहाँ खड़े हैं, मैडम कहती हैं कि आपके पास मोबाइल नहीं है, ऐसे समय में इंटरव्यू में आप चले जाते हैं, वहाँ आपके पास कोई वो नहीं है, तो आप क्या करोगे? सर हमें मोबाइल नहीं या ऐप ढूंढ के आएंगे, वो कहेंगे पढ़ा क्या है। तो इसी वजह से आप लोगों ने कभी भी इसे डिस्करेज भी नहीं करना, इनकरेज भी नहीं करना। ये ज़रूरत आप देखें कि आप पेशेंट के सामने है कोई कर लें अगर हाँ, और उसमें है कि आप लोगों के पास टाइम कम है ज़्यादा है, टाइम बचाने के लिए वो कर लें। अगर आपके पास टाइम है, आप अपनी फैमिली में कर रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो आप मैनुअल करें, वो आप लोगों को बिल्कुल आने चाहिए ये चीज़ें, ताकि कहीं भी कोई मसला ना हो। बाकी ऐप तो क्या डिफरेंस है, आप ग्रेजुएट हैं, एक है हमारे पास इमरान साहब हैं, उनके वो नहीं किया हुआ, उनकी माइंड साइंसेस में डिग्री है, वो भी कैलकुलेटर यूज़ करें और हम भी कैलकुलेटर यूज़ करें। हम उसे उसे कहें कि आप मैनुअल करके दें, उसे भी ना आए और हमें भी ना आए। आपको क्विक काम करना, आप हॉस्पिटल में राउंड करे और खड़े होकर फॉर्मूलाज नहीं लिख सकते, लेकिन आपको आने चाहिए। क्या फॉर्मूला दिया हमारे का वेट बाय हाइट का, वेट इन हाइट आपका जो भी रहेगा 59, लेकिन आपका हाइट में यहां से जो आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। ठीक है, अभी आपका 9 केजी ज्यादा है और आपका जो बीएमआई है वो 23.8 है। वैसे तो नॉर्मल रेंजेस में ही आता है, लेकिन जो है आइडियल आपका 22 से 23 तक होना चाहिए बीएमआई, तो ये आपका उससे आ गया थोड़ा सा। उसके बाद आपको किसी किस्म की फूड एलर्जी तो नहीं है और उसके अलावा कोई इशू, स्टमक इशू या कोई भी इशू? अच्छा, आपको प्रीवियस कोई डिजीज़ वगैरह में हो या कुछ हो, आपको बीमारी वगैरह कोई फैमिली नहीं? आपको खुद हो कोई भी स्टमक का इशू या वैसे हाइपरटेंशन या कुछ भी हो? सिर्फ यहाँ पे नो नो लिखते जाऊँ मैं? हाँ बस छोड़ो, हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं। हिस्ट्री में क्या पूछना है? वो मीन कि कोई फैमिली हिस्ट्री आ सकती है या कोई हिस्ट्री में कोई इशू, जैसे डायबिटीज, आजकल डायबिटीज ज्यादा हुई है, डायबिटिक है फैमिली, डायबिटिक है। अच्छा,
अच्छा आपने कल से लेकर मतलब कल सुबह से लेकर रात तक की मुझे डाइट हिस्ट्री बता रही है क्या क्या खाया है सुबह ब्रेकफास्ट में तो ब्रेड और ऑमलेट ही है अच्छा और चाट वन टेस्ट पर ऑलिव ऑयल लिया था तो उसी के साथ ही में हाँ एग में ऑलिव ऑयल लिया था और स्नैक टाइम में स्नैक्स में मैंने फ्रूट लिया था कोई एक सीजनल फ्रूट लिया था कौन सा फ्रूट यूज किया था एप्पल एप्पल लंच में चपाती और ग्रेवी ली और फिर दोबारा से कोई स्नैक डिनर में दोपहर को ग्रेवी में क्या खाया था अच्छा आपको क्या क्या चीजें पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद जैसे मतलब जैसे कुछ लोगों को वेजिटेबल ज्यादा पसंद होती है कुछ को मीट ज्यादा पसंद होता है तो उसके हाथ से अच्छा डाइट प्लान आपने किस चीज का बनवाना है मेंटेन रखना चाह रही है अपना वेट सर फिर अब एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी निकली है 1770 ये मैंने 30 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट अभी जल्दी के लिए निकाली ऐसे फॉर्मूला पुट करके निकालें तो फिर फिजिकल एक्टिविटी भी पूछनी है कि आपने वो पूछी ही नहीं वो क्योंकि मैंने 30 से मल्टीप्लाई करके निकाली है इसलिए अगर हर किसी को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक कोई स्पोर्टमैन है कोई जो है बेड रिडन है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको तो फॉर्मूला से ही और फिजिकल एक्टिविटी को पुट करने का अच्छा आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है मतलब सेडेंटरी थोड़ा बहुत चलना फिरना है आधा घंटा वॉक करते हैं फिर ये किसमें है लो एक्टिव लो एक्टिव 1.3 या 1.2 1.2 सर अगर कोई बाहर जाता हो काम भी करता हो कुछ तो फिर और वॉक भी करता हो हाफ और ही फिर उसके मॉडरेट में आ जाता एक्टिव मोस्टली जो है ना वो स्पोर्ट्स में जिम या इस तरीके से वो एक्टिव है या डेली जो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं जिम के अलावा भी वो में क्या एक्टिव में आ जाता है ये मॉडरेटली एक्टिव और इसकी कितनी होगी फिर फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी 1.3 या 4 की रहेगी 1.3 से 4 इसके मुताबिक डाइट प्लान बनाएं इनको तो अब इस डाइट हमने जैसे घर में बनाया था तो हम एनर्जी भी साथ और सर्विंग साइजेस अब इस वक्त कैसे बनाएं नहीं आपने अपने माइंड में रखने हैं कि जो चीज़ आप लिख रही हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं तो बाकी आपने यहाँ निकाल के नहीं देने
आज आपकी असाइनमेंट है, आप लोग है ना अपना हाइट और वेट यहाँ से करके जाना है, सब ने अपना हाइट करो अपना वेट करो ठीक है, अपना BMI निकालना है, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग अपने जितने मसले हैं जैसे आपको जो भी मसले हैं आपकी हेल्थ के आपको पता वो आपने एक पेज पे लिखने करा के सबने मुझे चेक भी करवाया ठीक है, वो सब कुछ लिख के आपने अपने लिए डाइट प्लान बनाया, अपना 24 भी लिखना है 24 वीक और उसकी सर्विंग्स कितने साइज सब कुछ आपने ठीक है। आपने सही कहा बताया है ना वेट है किलोग्राम बाय हाइट इन मीटर्स के सर, सिर्फ टाइम लिख के और फूड लिख दो बस, फूड लिखते हैं और सर्विंग साइज कितना लेना है उनके वो भी लिखे हैं, जो आप लोगों ने घर से बनाना कुछ तरह नहीं बनाना, आप लोगों के कॉलम बना दिए टाइम फूड क्वांटिटी मतलब जैसे पराठा खाना पसंद करती है या नहीं करती या ब्रेड पेशेंट को मतलब आपने ब्रेड ले लिया मैंने कहा मैंने आपको खुद पता है ब्रेड ले लिया मतलब पराठा मतलब दो स्लाइस दो मस्टर्ड्स दो वही मैं पूछ रही हूं आपको पराठा खाना पसंद है या नहीं और सिटी या नहीं खा लेती हो आप किसको दे सकते हैं दे सकते हो मैम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग एक एक ग्रुप में कर ले हम तीनों ग्रुप में क्या मतलब हम तीन है हमारा वैसे भी एक ग्रुप है हम तीनों में के अपने टास्क को हां 30 का खाना 30-60 का एक ग्रुप है कर लो मैम वो एज अ ग्रुप ही फिर काउंट हो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं क्योंकि हम लोग कितने कार्ड्स में जा रहे हैं वैसे तो 20-20-20 है ना और मिनिमम 12 का बोला हुआ है उतना ही होगा लेकिन अगर हम मिल के एज अ ग्रुप टीम वर्क कर ले तो इकट्ठे मिलके कर ले तो आप लोग अलग-अलग ही करोगे ना 20-20 में अपने अपने बार बार ही चलो कितने करना चाहते हो मैम हम लोग के यहाँ पे कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं है बिल्कुल सेल कर सकते हैं ये नहीं हमने हमने मुल्तान में नहीं करा कि हम ये नहीं कि हमारे बेटे जो किए नहीं क्या वजह मुल्तान इस पे फोकस करें अच्छा और आपने स्नैक टाइम में फ्रूट सैलेड भी खा सकते हो पसंद है आपको ऑलमोस्ट 250 ग्राम का मतलब शाम के टाइम में आप लोगों के घर में कुछ बनता है खाने के लिए या जैसे चाय मोस्टली लोग होते हैं चाय वगैरह तो उसके साथ कोई चीज़ स्नैक वगैरह चाय की जगह आप कुछ और भी खा सकते हो मतलब सैंडविच वगैरह ये सब कोई हेल्दी चीज सर मैं कल परफॉर्म कर दूँ टाइम हो गया है क्या टाइम हो गया 4:08 चलो दोबारा कोई प्रोफेसर ये कर देख ले ये आप लोगों की प्रैक्टिस दोबारा अभी नहीं होगी कल ये आप लोगों की होगी जब आप डाइट प्लान सीख लोगे डाइट प्लान आप बना के दोबारा ये एक्टिविटी दोबारा रिपीट होती रहेगी मैम इसकी पिक्चर खींच के जाके तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना अगर हम इसकी पेज की पिक्चर खींच के हिस्ट्री की जी जो ये अपनी बनाई है हिस्ट्री पेज दे दें सबको समझ आ गई है ना सबको जी समझ आई तो
पूछ लो तो फिर हम उनको जब देंगे तो हमें कितने दिन का देना चाहिए? ये तो एक दिन का ही, जैसे मैंने कल की रूटीन, अगर मैं इसको डाइट प्लान देती हूं तो कल की रूटीन है सिर्फ। आपने उनको तकरीबन 1 वीक या 15 डेज का, तो और उसमें आप ऑप्शन देंगे, फिर हम जैसे मैंने ये एक दिन का लिखा है तो फिर मैं इसी के साथ ऑप्शन साथ ऐड करूंगी। इसमें ये करेंगे कि आप सबसे पहले अपने जो फूड ग्रुप्स हैं उनको माइंड में रखेंगे कि फूड ग्रुप्स की सर्विंग साइज माइंड में रखेंगे, तो और उसमें ये है कि उनको जो फैक्टर्स है डिजीज है उसको माइंड में रखते हुए जो हमने एक्सचेंज लिस्ट बनाई है, मीन कि अगर डायबिटिक है तो हमारे पास हर ग्रुप में डिफरेंट चीज़ें हैं, हम वो चीज़ें लेंगे जो डायबिटीज़ के प्रिवेंट करने में अहम किरदार अदा करती हैं, तो अगर वो नॉर्मल है तो फिर भी हम हेल्दी चॉइस रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में आप ऑप्शन में दें, मीन कि आप अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डिजीज़ नहीं है उसे, तो कोई भी फ्रूट ले सकती हैं। अगर उसने मंडे वाले दिन एप्पल लिया है तो ट्यूसडे जो है ना ऑरेंज ले सकती है, ग्रेप्स दे देती है, जो आप डाइट प्लान बनाने आए उसमें लिख भी दें, आप उसे बता दें, उसे समझ आ जाए। इसी तरह अब ये मैं उनका बता रहा हूँ, कोई इशू नहीं है तो, जब कोई इशू है तो आप उसको माइंड में रखेंगी एक्सचेंज लिस्ट को, फिर वो चीज़ें स्पेसिफिक कर देंगी। तो अगर फिर इसी तरह अगर आप वेजिटेबल ग्रुप में जाते हैं तो आप उनको बताएंगे कि सब्जियां सारी अच्छी हैं, तो और उसमें आप जो फर्स्ट है फर्स्ट डाइट प्लान उसमें कुछ स्पेसिफिक कर देंगे 5 से 6 सब्जियां, फिर नेक्स्ट में हम दूसरी स्पेसिफिक कर देंगे, ताकि उनको ये फील हो कि वाकई ये स्पेसिफिक है। अगर हम जब कहते हैं ना जो दिल में आए खा लें सब्जियाँ, वो कहते हैं तो वो तो पहले भी खा रहे थे, पहले भी जो दिल में आ रहा था वो तो खा रहे थे, अब ये है कि आप बता देंगे कि ये 15 दिन आपने ये सब्जियां इस्तेमाल करनी है, ये फ्रूट इस्तेमाल करने हैं जो मिलके सीजनल हों, और ये मीट है, चिकन है, फिश है या देसी चिकन है, एग्स हैं, ये इस्तेमाल करने हैं। लेकिन इसमें मीट ग्रुप में आप देखें कि मल्टीपल और भी ऑप्शन है, तो ये चीज़ें सारी की सारी वहाँ देखिए। अभी आपको जनरल डाइट प्लानिंग कर रहे हैं, फिर हम जब उसकी डिजीज़ पढ़ेंगे, डिजीज़ स्पेसिफिक दोबारा इस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, तो यहाँ आप लोग जब यहाँ बैठेंगे हॉस्पिटल में, वहाँ भी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे बनते हैं। अब ये बताएं ये कितनी इनकी पूरी हो रही है कैलरीज? सर वो तो भी करके मैंने ब्रेड ऑमलेट और चाय का एक कप सुबह, मैं आपको आपके माइंड में होनी चाहिए ना कितना, एक कप चाय और आप खाने के साथ चाय, आपको पता है कि इसके क्या हैं साइड इफेक्ट, कैफीन है और जितने भी आपके न्यूट्रिएंट होंगे वो सारे एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो एक तो चाय वैसे नहीं रिकमेंड करनी चाहिए, अगर ठीक है कोई अगर पीना चाह रहा है तो, ये इतना भी नहीं है कि बुरी है, लेकिन आप वक्फे में हो, जैसे मेडिसन हो या चाय हो, ये कम से कम 30 मिनट के वक्फे के साथ हो, मीन कि कभी भी खाने के साथ नहीं खानी चाहिए चाय, ना ही चाय पीनी चाहिए, ना ही कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि इनके आपस में इंट्रैक्शन होते हैं। और दूसरा अभी आप लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में है आप लोगों का न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन, वो भी काफ़ी हद तक आप लोगों ने माइंड में रखना होगा कि वो कम्बिनेशन ना दें जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। कभी भी हमने कैल्शियम मीन के अगर आप एक तरफ कह रहे हैं दूध और दूसरी तरफ दूध और मीट, कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता, उसका दोनों का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसी तरह अगर विटामिन सी और आयरन वाली चीज़ें हैं वो करें तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये चीज़ें भी माइंड में रखनी होती हैं। तो इसी वजह से मैं अक्सर पहले दिन में मैंने कहा है कि अक्सर लोग जब हम ये चीज़ बनाने लगते हैं ना, जब हम अपने पेशेंट को नहीं बताते कि इसके ये कैसे बन रहा है डाइट प्लान, वो जब आप देखें कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं कोई भी देख ले तो ये कहेगा कि तो ये तो डेली मैं यूज़ करता हूँ, ये तो आम ही चीज़ है, लेकिन ये आम नहीं है। आपने कितना प्रोसेस किया, उसकी कैलकुलेशंस की, फिर आपने ये माइंड में रखा कि इनका कॉम्बिनेशन क्या है, फिर आपने ये देखा कि इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आपने ये देखा कि डिज़ीज़ क्या है, अगर डायबिटिक है तो आपने कोई उसको ऐसी चीज़ नहीं दी जो उसके डायबिटीज़ को जो है बूस्ट अप करे। तो ये सारी चीज़ें इतने सिंपल नहीं होती। अब आप इसकी कैलरीज निकालें, मैं आपको बताऊं कि अगर आप 1 कप टी कह रही हैं, 1 चपाती है या ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, वो ब्राउन ब्रेड खाती हैं। अच्छा, कितने स्लाइस? 2 स्लाइस। 2 स्लाइस एक ही सर्विंग होती है, 80 ये हो गई, और एग वाइट फुल होल एग तकरीबन वो हो जाता है 90 के करीब।
हाँ 80-90 160 ये तकरीबन 200 हो गया आगे रफ एस्टिमेट वन बोले वो तकरीबन 30 वो हो जाएंगी हाँ 25 होती हैं एक कप में फ्रूट सैलेड में ये फ्रूट या वेजिटेबल फ्रूट सैलेड में 60 होती हैं टू हाँ टू ये कितनी एक एक चपाती वही है मीन की अगर समाल चपाती है तो वहाँ 80 कैलोरीज है 100 ग्राम पे फिर उस पर ये किस चीज़ का सालन है और उसमें कितना जो है ना ऐड किया गया है तो ये पकाने वाले हाँ ये बताना होता है कि आप लोगों ने जब आप बताते हैं कि ग्रेवी वगैरह लें तो उसमें आप लोगों ने ये भी बताना होता है कि कितना ऑयल यूज़ करना है अगर आप लोग देखें कि आप एक ओबेसिटी वाले पेशेंट का डाइट प्लान बना रहे हैं उसको 1500 किलो कैलोरीज दे रहे हैं आपने उनको कहा है कि आप वेजिटेबल लें उनने ठीक है वेजिटेबल और आपने कैलकुलेशन की है 1500 किलो कैलोरीज के मुताबिक एक कप वेजिटेबल एक कप जो है जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं वो 25 किलो कैलोरीज दे रहे हैं आपने यहाँ 25 किलो कैलोरीज पुट की लेकिन उसमें उसने जो है ना आपको पता है कि जो हमारे चमचे होते हैं यहाँ तो चम्मच की बात करते हैं वो चमचे होते हैं वो कम से कम जो है ना 100 मिलीलीटर का होता है 50 मिलीलीटर का होता है अगर उसके हिस्से में अगर 50 भी आ जाए 50 × 9 वो 500 के करीब तो वहाँ से चली जाएंगी आप उसको 450 जो है किलो कैलोरीज वहाँ से चली गई लेकिन आपने कितनी की हैं 25 फिर हम कहते हैं कि रिजल्ट नहीं है आप जब इस तरीके से 1500 बनाएंगी वो तो बेसिकली 200 होगी वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमने कम की थी 500 वो ऑयल की शक्ल में हमने दे दी तो फिर कहाँ वेट उसका रिड्यूस होना है तो ये सारी चीज़ें जब आप बताएं उनको कि उनको ऑयल का भी बताना है और कभी भी आप एक तो फैमिली ये देखना होता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है किस क्लास से वो बिलोंग करता है तो अगर वो अच्छे है मीन के अफोर्डिंग फैमिली में है तो आप उसे जो दूसरे हैं मानो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या ये जो जैतून का तेल है फ्लैक्स सीड है ये या दूसरा कोकोनट है ये आप वो करें कैनोला है तो अगर मीन के वो मिडल है तो फिर आप फिर भी ऑयल उसे घी से रोकें ऑयल रिकमेंड कर दें कोई भी है पाम ऑयल है या दूसरा तो ये चीज़ें देखनी होती हैं लाजमी अब ये कितनी कैलोरीज बन रही हैं अभी तो थोड़ी सी बनी 260-280 ये सारा हो गया है एक दिन का तो बना लिया नहीं आप दोपहर में क्या दिया रोटी और मतलब जो ग्रेवी बनेगी अब वो नहीं अब घर में बड़े गोश्त की ग्रेवी बनी है और उसने नहीं खाने आप लिख दे जो भी ग्रेवी बनेगी फिर आपका आइडियल वेट कितना है कितना होना चाहिए ठीक है एक्चुअल क्या है आइडियल क्या है सारा कुछ निकाल के अपना 24 आवर निकाल के आप कितनी कैलोरीज लेते हो ये पता हो आपको ठीक है उसके बाद आपने एक डाइट प्लान बनाना है जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा आपके टाइमिंग्स का आप 8 बजे शुरू करें आप 7 बजे से जो भी ठीक है सोने तक फर्स्ट कॉलम टाइमिंग का सेकंड आएगा फूड आइटम्स का जो भी आप दे रहे थर्ड कॉलम आएगा उनकी क्वांटिटी क्या क्वांटिटी दे रहे फोर्थ कॉलम आएगा उनकी कैलोरीज ये आज आपने करके आना ये करने के बाद ना आप फिर इन्हें सजेशन देते हो ये जो चीज़ें सारी सबने बताई हैं ये आप उन्हें मुंह से बता दिया ठीक है वो भूल गए आपने कह दिया ये सब्जी ले लो वो भूल ये सब कुछ आप पीछे इस पेज के आप लिखोगे जो डूज एंड डोंट्स है ना जी वो आपने सारा लिखना वो उन्हें लिख के देना फिर हम इधर जैसे अगर हमने डाइट प्लान ये बना लिया मतलब दोपहर में वो मोस्टली रोटी या सालन इस तरह की चीज़ें हैं चावल बन जाते हैं वो हम एक नीचे कॉलम भी तो बना सकते हैं ना कि मतलब आपने ये अल्टरनेटिव्स हैं आप ये खा सकते हाँ वो आप वही पीछे लिख दो बेशक या नीचे लिख दो जैसे उनको आपने देना है उन्हें सजेशन रिकमेंडेशंस वो अलग है ठीक है उसको आप उर्दू में लिखते हैं जरूरी हिदायत जी और परहेज इस तरह उर्दू में आप लिख देते हो कि आपके सजेशन है कि आपने डूज एंड डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना ठीक है